सबको नमस्कार। तो आज इंजीनियरिंग डे के दिवस पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर में करुण एयरक्राफ्ट का इनॉग्रेशन करने आए हैं और मैं सारे लोगों को आज इंजीनियर्स डे की बधाई देना चाहूँगा और प्रोफेसर एम विश्वेश्वरिया जिनके जन्मदिन पे हम लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं उनके जो मैसेज है लाइफ में, नॉट ओनली द साइंटिफिक मैसेज, जैसे उन्होंने फ्लड कंट्रोल इरीगेशन बहुत सारा काम किया है, उनके साथ उन्होंने एक सोसाइटी में भी सोशल मैसेजेस भी बहुत सारे दिए हैं। जैसे रिजर्वेशन पे उनका एक अच्छा स्टैंड था, ऐसी चीज़ों पे उनके अच्छे स्टैंड थे। और इसलिए मैं आपके सारे लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप भी जो अपने लाइफ में एम विश्वेश्वरिया के जो प्रिंसिपल्स है, नॉट ओनली साइंटिफिक प्रिंसिपल बट सोशल प्रिंसिपल्स, उसको भी फॉलो करिए और उनका ऐसा बनने की कोशिश कीजिए। और हम भी यही कोशिश करेंगे कि हमारे जो लाइफ में हम लोग साइंटिफिक टेंपर डेवलप करें और इंजीनियर्स जो है हमारे इस जो देश में जो इंजीनियर्स है उनका कैसे डेवलपमेंट में यूज़ किया जाए इसके बारे में सोचें और इसके बारे में आगे काम करें। थैंक यू वेरी मच। आज जिला विज्ञान केंद्र कलबुर्गी में एक एयरक्राफ्ट जो हम इंस्टॉल करें, मेरे पीछे जो दिख रहा है उसका एयरक्राफ्ट का मॉडल नहीं है, रियल एयरक्राफ्ट ही है, उसको हम इंस्टॉलेशन किए थे, उसका इनाग्रेशन हुआ। ये पब्लिक के लिए ये जानकारी देना था और फ्लाइट के बारे में क्या है, वो कैसा रहता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी हम बोर्ड लगाए। ये जो किरण नाम का एयरक्राफ्ट है, ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ये उसका नंबर जो है किरण U809, ये HCL कंपनी में तैयार हुआ है, बट उसका जो रिक्वायर्ड इंजन वगैरह जो है इंपोर्ट करके इन्हों करे सो है, बट बहुत पुराना मॉडल है। नॉर्मली एयरफोर्स में क्या होता है, वो लाइफ टाइम टेक्निकली जो एक्सपायर होता है वो उन्होंने उधर रख के उनको फ़ायदा भी नहीं रहता, बट फिर भी क्या है उसका इंजन उन्होंने निकाल के रखे, बाकी सब जो था वो हमको डोनेट किए। ये हमको हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन जो है वहाँ से मिला है। वो एक्चुअली प्रोसीजर जो स्टार्ट हुआ June 2019 से करस्पॉन्डेंस हुआ, पहले वो दिल्ली का एयरफोर्स स्टेशन से अप्रूवल हुआ, उनका हेड ऑफिस से उन्होंने लेटर भेजे हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन को, ये किरण नाम का एयरक्राफ्ट को गुलबर्गा साइंस सेंटर के लिए दीजिए बोल के। ये उनका रिकॉर्ड में साइंस सेंटर में लोकेशन दिखाते, बट उनका ही प्रॉपर्टी है, बट इधर आने के बाद वो एक्चुअली 3 पीस में आया था, उसका हेड अलग में आया, टेल अलग में आया और बाकी सेक्शन अलग अलग में आया। उसको इधर उन्होंने इसमें लॉरी में फिलअप करके लेकर आए, बाद में इधर क्रेन के जरिए उसको उठा के जहाँ जहाँ कैसा फिक्स करना है वो फिक्स हुआ, जून महीने में फिक्स हुआ। उसके बाद में उसका पेंटिंग वगैरह जो काम दूसरा काम था वो हम डिपार्टमेंटली करवा के आज हम उसको इनाग्रेशन करें। इनाग्रेशन में हमको कॉरपोरेशन के कमिश्नर आए थे और इधर एडिशनल कमिश्नर एजुकेशन गुलबर्गा में जो है उन्होंने भी आए थे और एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर जो है उन्होंने भी आए थे गुलबर्गा में, उसके साथ में वो NCC कमांडेंट तिवारी साहब भी आए थे। तो ऐसा उसके साथ में हमारा बेंगलुरु का विश्वेश्वरय्या म्यूजियम जो है, ये साउथ जोन हेडक्वार्टर NCSM का है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो है उसके अंदर 25 साइंस म्यूजियम एंड साइंस सेंटर जो है उसमें गुलबर्गा में एक है, कर्नाटक के दो है, विश्वेश्वर म्यूजियम एंड डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर गुलबर्गा। म्यूजियम के डायरेक्टर भी ये फंक्शन में ऑनलाइन में ज्वाइन हुए थे, उन्होंने भी ये आज जो इंजीनियर डे था उसके बारे में बात करें और ये एयरक्राफ्ट के बारे में भी बात करें। ऐसा एक ये डेडिकेशन हुआ है फॉर गुलबर्गा एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, वो हर एक बच्चे आके ये सिर्फ एयरक्राफ्ट देखना नहीं, अंदर भी साइंस सेंटर में जो 4 एग्जीबिशन हॉल है, फन साइंस, पॉपुलर साइंस, मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी देख सकते हैं। और साइंस सेंटर का जो मेन बिल्डिंग है उसके पीछे डायनासोर पार्क है, हमारे पास 3D थिएटर, प्लानिटेरियम, साइंस पार्क, ऐसा अलग अलग अजूबा है, एग्जीबिशन हॉल है, उसमें आके साइंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वो हर एक मॉडल में कन्नड़ा और इंग्लिश में लेबल लिखे सो रहता है, इवन साइंस पार्क में भी ऐसा मॉडल, वो लर्निंग साइंस थ्रू फन एंड प्ले, साइंस पार्क में जो एग्जीबिट्स है अबाउट 40 एग्जीबिट्स आर देयर। ऐसा ही साइंस सेंटर में जो मोबाइल साइंस एग्जीबिशन यूनिट भी है वो गांव-गांव को जाता है,
नॉट ओनली गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट टू बीदर यादगिरी रायचूर बीजापुर बागलकोटे हर एक जिला में साल में जाता है, बट ये कोविड पीरियड में ये एक डेढ़ साल से नहीं गया है, नहीं तो ऑलवेज वो तीन बस जो है वो हर एक जगह में मूवमेंट होता। ऐसा विज्ञान का जो पॉपुलराइजेशन करना है उसके लिए साइंस सेंटर में अलग अलग चीज़ें हैं, सब आके इसका इस्तेमाल करना, देखना, जानकारी लेना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं लक्ष्मी नारायण जिला विज्ञान अधिकारी ये जिला विज्ञान केंद्र में काम कर रहा हूँ। ये पूरा साइंस सेंटर में डेवलप जो हुआ है वो पहले से मुझे मालूम है, कब कब क्या क्या हुआ है ये सब जो है गुलबर्गा सिटीजन और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट का जो सिटीजन्स है उन्होंने आके उसका जानकारी लेना, लाभ उठाना है।